तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा था, जिसमें हमने भाग में पिछले भाग में देखा था। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने कुछ चीज़ें जान ली थी, बेसिक जानकारी कि कौन कौन से भाग होते हैं इसके, वो सारे पढ़ लिए थे। जैसे हमने कहा था, इसमें शुरुआत करेंगे टेस्टिस से, वृषण से, उसके बाद अधिवृषण, इसके बीच में भी कुछ पॉइंट आएंगे वो अभी दिखाएंगे, आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो उसमें, उसके बाद आपकी शुक्रवाहिनी, और फिर आता है स्कलन वाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड और मूत्र मार्ग और सिसेन। तो इन भागों के बारे में हम जान रहे थे एक एक करके। तो सबसे पहले हमने देखा था इसमें जो हमारा पॉइंट था, पहला पॉइंट टेस्ट इसके बारे में, इसके बारे में, वृषण के बारे में। तो हमने वृषण के बारे में जान लिया था, बेसिक चीज़ हमने देखी थी जो टेस्टिस है, वृषण है, तो वो कैसा है। तो आपको हमने बताया था ये एक थैलीनुमा संरचना है, एक थैलीनुमा संरचना है, और किसके अंदर है ये, आपका है वृषण कोष। तो वृषण कोष के अंदर स्थित होती है। तो हमने कहा ये भी देख लिया था कि वृषण कोष के अंदर स्थित होती है। फिर हमने बताया था ये टेस्टिस आपका वृषण कोष के अंदर ही स्थित होता है, लेकिन शुरुआत में जो 7 मंथ की अवस्था में, जब भ्रूणीय अवस्था में, तब ये क्या होता है, तब ये बाहर आकर आपका वृषण कोष में स्थित होता है, इससे पहले ये उदर गुहा में स्थित होता है। जैसे इसकी संरचना अगर देखें तो हमने कहा ये आपका उदर गुहा वाला रीजन है, ये, और ये आपका पेल्विस रीजन है, ये वाला पेल्विस रीजन है, श्रोणी क्षेत्र बोलते हैं जिसे, श्रोणी क्षेत्र, और ऊपर वाला आपका है उदर, ये उदर गुहा है आपका, उदर कैविटी। तो हमने कहा यहां से एक लेयर आती है, और ये लेयर हमने कहा नीचे की ओर ये, और इसका नाम है वृषण कोष, इसका नाम है वृषण कोष। अब हमने कहा वृषण कोष पहले, जब 7 मंथ से पहले भ्रूण जो यहाँ पर था उदर गुहा में, तो यहाँ पर था टेस्टिस, उस समय टी बना दी, ये टेस्टिस यहाँ पर था, लेकिन जैसे ही 7 मंथ हो जाते हैं, 7 महीने बाद ये कहाँ आ जाता है, ये वृषण कोष में आ जाता है। ये चीज़ हमने देख ली थी, और हमने कहा इसको लाने के लिए कौन सा एक एंजाइम कार्य करता है। तो सबसे पहले हमने देखा था इसमें कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये थैलीनुमा संरचना होती है, ये देखा था थैलीनुमा, पहला पॉइंट। दूसरा आपको ध्यान रखना है इसी में जो टेस्टिस है, वृषण है, किसमें स्थित था, तो हमने देखा था वृषण टेस्टिस है वो वृषण कोष में स्थित था, वृषण कोष। फिर उसके बाद देखा था हमने तीसरा पॉइंट इसी में जो टेस्टिस है, हमने कहा टेस्टिस शुरू में जब इम्ब्रियो स्टेज होती हैं, 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं जिसे ब्लास्टुला कहते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, तो उसे ब्लास्टुला स्टेज कहते हैं भ्रूणीय अवस्था को। तो उस समय टेस्टिस उदर गुहा में होता है, लेकिन हमने कहा 7 मंथ के बाद, 7 महीने बाद, मंथ्स बाद ये कहाँ आ जाता है, ये वृषण कोष में आ जाता है, इससे पहले उदर गुहा में होता है, तो वृषण कोष में आ जाता है। अब ध्यान रखना है ये वृषण कोष में जब आता है, चौथा पॉइंट, तो आपको ध्यान रखना है ये वृषण कोष में अपने आप नहीं आता है, इसको लाने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन काम कर रहा था इसको लाने के लिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन वर्क करता है। अब ये हार्मोन आपको ध्यान रखना है, ये हार्मोन फीमेल के अंदर होता है, होता किसके, फीमेल के अंदर। अब हमने कहा ये हार्मोन फीमेल के अंदर क्या, ये हार्मोन काम करता है टेस्टिस को बाहर ले जाने का, बाद में देखेंगे इसी के बारे में थोड़ा सा और भी कि कैसे वर्क करता है। पांचवा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हमने कहा ये टेस्टिस अगर एक लेयर के द्वारा कवर होते हैं, दोनों जो वृषण है और वृषण एक लेयर, ये भी बता दिया था। उसके बाद हमने कहा था 6 पॉइंट आपको ध्यान रखना है थोड़ा, हमने कहा था अगर ये टेस्टिस को हम निकाल दें, मान लो टेस्टिस का निर्माण, मतलब ये हार्मोन ही ना बने,
ये हार्मोन का निर्माण ना हो तो क्या होगा, टेस्टिस बाहर आ पाएंगे, क्योंकि यही जो है हार्मोन क्या है, बाहर लाने का काम कर रहा है वृषण कोष में, तो टेस्टिस वृषण कोष में नहीं आएंगे। तो हमने कहा था क्रिप्टोडर्म एक इसको नाम दिया गया है, जब टेस्टिस है वो बाहर नहीं आते हैं वृषण कोष से। ये चीजें हमने देख ली थी। उसके बाद सातवां पॉइंट भी हमने यहाँ पर देख लिया था कि हमने कहा था जो हाथी होते हैं, हाथी में जो वृषण कोष है उदर गुहा में स्थित होते हैं। ये वाला पॉइंट भी हमने, जो हाथी हैं हाथी में आपको क्या मिलेंगे, जो टेस्टिस हैं वृषण, वृषण आपको वृषण कोष के अंदर मिलेंगे। अब ये वृषण कोष के अंदर क्यों होते हैं, इस बात को भी हमने देख लिया था कैसे करके। तो हमने कहा जैसे हम कहें अपने हमारे अंदर अगर उदर गुहा में, तो हमारा ये वाला रीजन क्या कहलाता है, पेल्विस रीजन। तो इस सीध में स्थित होते हैं जिसे हम पेल्विस रीजन श्रोणी क्षेत्र कहते हैं। तो हमें तो श्रोणी क्षेत्र में मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, तो ये पॉइंट भी हमने बताया था, इनका तापमान 3 सेंटीग्रेड कम होता है हमारी बॉडी के तापमान से। जो हमारी बॉडी का, हमारा शरीर का तापमान है हमारे शरीर के तापमान से, तो हमारे शरीर का तापमान कितना होता है आपको पता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे कम होगा 2.5 से 2, तो आपको कितना मिलेगा, लगभग 35 या 34 के आसपास। क्यों, क्योंकि इस ही तापमान पर आपको ध्यान रखना है। नवा पॉइंट, शुक्राणु है वो क्या करते हैं, आपको ध्यान रखना है शुक्राणु परिपक्व होते हैं, परिपक्व होते हैं मतलब मैच्योर होंगे इसी तापमान पर, इसलिए इसको आदर्श तापमान कहा जाता है, आदर्श तापमान या तापक्रम कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये शुक्राणुओं को मैच्योर करने के लिए, परिपक्व करने के लिए आदर्श तापमान माना जाता है। इसीलिए जो टेस्टिस होते हैं वो वृषण कोष में बाहर स्थित होते हैं, उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, क्योंकि उनको टेम्परेचर चाहिए 2 से 2.5 से, आपका 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम बॉडी के टेम्परेचर से। तो इसलिए क्यों, क्योंकि ये शुक्राणु परिपक्व करेंगे और इसलिए उनको आदर्श तापमान माना जाता है। हमने कहा ये हाथी की बात करें तो हाथी में आपको ध्यान रखना है जो एलिफेंट होता है, एलिफेंट में अंदर होते हैं, तो अंदर क्यों होते हैं, तो आप कहोगे एलिफेंट के अंदर जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो तापमान कम होता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर से। यहाँ पर हाथी के जो बॉडी का टेम्परेचर होता है तो वो 34 आपको मिलता है, 34 से लगभग 35। और आपको बताए यहाँ पर तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ पर अगर 34-35 है तो उसके बॉडी के अंदर ही स्पर्म का क्या हो जाएगा, मैचुरेशन हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर जो आपके टेस्टिस होते हैं हाथी में वो बॉडी के अंदर ही होते हैं। तो स्पर्म के लिए आपको ध्यान रखना है, स्पर्म के मैचुरेशन या परिपक्व के लिए ऐसा होता है, बॉडी से हमारे बाहर होते हैं, क्योंकि स्पर्म मैच्योर होंगे तभी तो रिप्रोडक्शन होगा। इसलिए अब हम टेस्टिस में ही इसी में देखते हैं वृषण की दूसरा पॉइंट, जो हमारा वृषण है ये तो हमने देख लिया ऊपर से देखने पर वृषण कैसे नजर आ रहा था, ये वाला भाग। अगर वृषण की आंतरिक संरचना की बात करें, आंतरिक संरचना कैसी होती है, आंतरिक संरचना हम देखेंगे, तो आंतरिक संरचना में आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या। सबसे पहले हमने कहा ये टेस्टिस है, इसको उठा लेते हैं यहां पर। अब आंतरिक संरचना में थोड़ा सा देखने, एक भाग बना दिया, दूसरा भाग बना दिया ये, और ये तीसरा भाग बना दिया। तो पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है आंतरिक संरचना में जो टेस्टिस है हमारा, पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है इसमें आंतरिक संरचना में जो वृषण है आपका, वृषण 3 स्तर मतलब 3 इसमें लेयर पाई जाती हैं, 3 स्तर द्वारा आवृत होता है मतलब कवर्ड होता है, आपको ध्यान रखना है आवृत होता है, कवरिंग होती है, 3 लेयर की कवरिंग होती है। तो इनको देख लेते हैं, जैसे आपको दिख रहा है पहली लेयर ये है इसमें, जिसका नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है ट्यूनिका
वजाइनलिस, ये प्रथम लेयर होती है। फिर आपको एक लेयर और दिख रही है इसमें दूसरी, इसका नाम क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तीसरी लेयर आपको और दिख रही है इसमें, तो इसका क्या नाम है, आपको यह भी ध्यान रखना है, ट्यूनिका, तीसरी लेयर का आपको नाम यह भी ध्यान रखना है, बैस्कुलोसा, बैस्कुलोसा, ट्यूनिका, बैस्कुलोसा। ये तीन लेयर हैं आंतरिक संरचना में देख रहे हैं। सबसे पहले एक लेयर ये मिली, दूसरी लेयर आपको ये मिल गई और तीसरी लेयर ये मिल गई। तो यही पॉइंट हमने लिख दिया कि वृषण तीन स्तर द्वारा आवृत होता है, कवर्ड होता है, घिरा हुआ होता है। कौन कौन सी, ये आपको ध्यान रखना है तीनों स्तरों, इनके नाम याद रखना, ट्यूनिका, वजेनेलिस। दूसरी आपको लेयर याद रखना है, देखो दोनों सभी नाम इसके क्या हैं, ट्यूनिका से ही स्टार्ट हैं। तो पहला तो आपको ये ध्यान रहेगा कि ट्यूनिका सभी में है, तीनों में, लेकिन नाम इनके लास्ट वाले अलग अलग हैं सबके, क्योंकि लास्ट में चेंजिंग है, और वैस्कुलोसा, ये आपको तीनों नाम तीन स्तर हो गए। अब हमने देखते हैं इस स्तर में ही तीन लेयर हैं, तो सेकंड वाले स्तर को ध्यान रखना, ये जो सेकंड वाला स्तर है आपका, ये वाला सेकंड वाले स्तर की बात करें दूसरे पॉइंट में, तो आप कहोगे जो ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये वाले स्तर, इस वाले स्तर में हम कुछ संरचना देख रहे हैं ऐसे करके, ये इस टाइप की संरचना मिलती हैं, दरारें आप कह सकते हो, सेप्टम, ये सेप्टम मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कौन से वाले स्तर में, तो आप कहोगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया में कुछ सेप्टम पाए जाते हैं, मतलब दरारें पाई जाती हैं, ये दरारें मिल रही हैं ऐसे करके, और सेकंड वाली लेयर में है, तो हमने कह दिया किसमें, सेकंड वाली लेयर में कुछ सेप्टम दरारें पाई जाती हैं, जिनको नाम दिया गया है, जिनको कहते हैं हम टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर सेप्टम, जिसको नाम दिया गया है टेस्टिकुलर सेप्टम, इन दरारों को नाम दे दिया टेस्टिकुलर सेप्टम। अब सेकंड लेयर से ये निकल रही हैं और इनका नाम क्या है, सेप्टम, दरारें हैं, इसीलिए हमने नाम रख दिया टेस्टिकुलर सेप्टम। अब ध्यान देना, ये जो सेप्टम है ऐसे लग रहा है, जब आप यहां पर देखोगे कमरे सा निर्माण हो जाता है, एक रूम सा बना लेती हैं। अगर हम इनको ऐसे करके मिला दें, ये तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कमरे से बन गए, तो कमरे से बन जाते हैं, तो ये कमरों की संख्या भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट यहां पर, तीसरे पॉइंट में यही हमने कहा, टेस्टिकुलर सेप्टम क्या बना देंगे, जो वृषण में, प्रत्येक वृषण में कमरे से बन जाते हैं, रूम से, जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, लोब्यूल्स कहते हैं ये कमरों को। तो इनको हमने नाम दे दिया, ये दरार को टेस्टिकुलर सेप्टम, और इसको हमने कमरे को कह दिया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये नाम दे दिया। अब आपको ध्यान रखना है इनकी संख्या, टेस्टिकुलर जो लोब्यूल्स होते हैं, ये कमरे जो हैं, इनकी संख्या आपको ध्यान रखना है कितनी होती है, 250 से 300 इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, जैसे हमने दिखा दिया 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन कितने होंगे, तो आपको ध्यान रखना है 250 से 300 ऐसे कमरे आपको दिखाई देंगे। अब हमने कहा इस कमरे में आपको ध्यान रखना है, ये कमरा है, इसमें हमने ये 1, 2, 3, 3,
दो, मतलब कितने कमरे होंगे? आप कहोगे 250 से 300 कमरे होंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे इसके अंदर। अब उस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर आपको ध्यान रखना है चौथा पॉइंट, क्या मिलेंगे? तो आप कहोगे उसके अंदर आपको ये संरचना देख रहे हो, एक हमने बना दिया, इसमें इसमें दो बना दिए, इसमें तीन। तो आप कहोगे एक से लेकर एक से तीन तक आपको शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। तो आप कहोगे एक से तीन तक शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। शुक्रजनक नलिकाएं, ये नलिकाएं मिलेंगी, शुक्रजनक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, जैसे सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स, ये आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक से कितनी मिलेंगी? तीन तक। किसी जो आपकी टेस्टिकुलर लोक्यूल में एक होगी, किसी में दो होंगी और किसी में तीन होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। तो एक से तीन तक आपको मिल सकती है, एक मिल सकती है या दो मिल सकती हैं या तीन तक, जिनको हमने क्या नाम दे दिया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब आपको ध्यान रखना है पांचवा पॉइंट, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, कैसी दिख रही है? जो यहाँ पर है आपकी संरचना, ये इसको निकाल लेते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं, ये आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये आपकी, मतलब हमने दो निकाल ली, एक रूम में जिसमें दो थी उसमें से दो निकाल ली। अब आपको ध्यान देना है, ये संरचना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल शुक्र जनक नलिकाएं, और ये इस टाइप से दिखाई देती हैं, ऐसे ही इसमें, क्योंकि दो निकाली हैं दोनों को दिखाते हैं। अब देखो उसमें आपको देखने पर नजर नहीं आ रही थी, इसमें आपको ऐसी लग रही है एक, लेकिन ये ऐसी होती हैं रियल में। अब देखो कैसी, हमने कहा ये जो आप भाग देख रहे हो, ये वाला, ये वाला भाग जो क्वाइल्ड क्वाइल कर दिया है इस टाइप से, और ये वाला भाग, दो भाग में डिवाइड होती हैं। तो हमने कहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कितने दो भाग से कवर होंगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये आपकी पूरी कहलाएगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये यहां से लेकर के ये और ये वाली जो आपकी पूरी, और ये इतनी, ये जो दिख रही है ये, यहां से ये, ठीक है? तो यहां से ये पूरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। अब इसमें हमने एक स्टेप से दिखा दी, एक स्टेप से, तो ये दो भागों में डिवाइड होती है। पहले आधार पर कुछ आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो इसको कहते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया, एक लेयर आपको बाहर मिल रही है, बेस पर मिल रही है ये वाली, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? ट्यूनिका प्रोप्रिया। फिर दूसरी आपको मिल रही है यहां पर, दूसरी लेयर अंदर की ओर आपको मिल रही है, तो इसको कहते हैं जर्म उपकला, एपिथेलियम उपकला कहते हैं, और जर्मिनल एपिथेलियम, जिसे जर्म उपकला टिशू। तो दो लेयर आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मिल रही हैं, इसके अंदर। अब हमने कहा ऐसी इधर भी होगी, सेम आपको यहां पर भी देखने के लिए मिलेंगी, ये बाहर वाली लेयर है, ये, और उसके बाद क्या है? अंदर वाली लेयर है, दो लेयरों में डट गई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये दो लेयर। अब आपको ध्यान रखना है ये दोनों लेयर अलग अलग हैं,
एक जर्मिनल एपिथेलियम है, जर्म उपकला बोलते हैं जिसे। अब हमने कहा इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर बात करें ये वाली लेयर की, पांचवें पॉइंट पर आपको यहाँ पर ही इस वाली लेयर की, जिसका नाम क्या है आपको ध्यान रखना है, ट्यूनिका प्रोपरिया। आपको ध्यान रखना है ये लेयर क्या करती है, बाहर की ओर होती है, तो आधार होती है, बेस होती है, आपको ध्यान रखना है आधार। किसका आधार? टेस्टिस, आधार से लगी होती है टेस्टिस के ये। अब आपको ध्यान रखना है आधार के साथ साथ आपको ये काम क्या करती है, तो आपको ध्यान रखना है इसका काम क्या होता है, तो ये टेस्टिस को ही, वृषण को ही सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्शन देने का काम करती है टेस्टिस को, सुरक्षा सुरक्षा देती है ये, ये इसका काम हो गया। इसके बारे में फिर आपको ध्यान रखना है, इसी में सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में आपको जो जर्मिनल एपिथेलियम है इसके काम देख लेते हैं पांचवें ही पॉइंट में। तो आपको ध्यान रखना है जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। अब हमने कहा जर्मिनल एपिथेलियम है जो आपको अंदर दिखाई दे रही है, ये क्या है, जर्म उपकला बोलते हैं। इससे पहले आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो, 9th में 10th में आपने पढ़ा होगा एपिथेलियम उपकला। तो उपकला चार भागों से मिलकर बनी होती है, जैसे आपने देखा होगा उपकला को, आपने कभी ऐसी बनी हुई देखी होंगी संरचनाएं टेस्ट इस प्रकार की, कुछ इस प्रकार की संरचनाएं बनी हुई देखी होंगी, और कुछ इस प्रकार की संरचनाएं भी आपने देखी होंगी। इस प्रकार की संरचना, तो इन संरचनाओं को जर्मिनल एपिथेलियम में आपको ध्यान रखना है, ये जर्मिनल एपिथेलियम जो अंदर वाली संरचना है ये फिर से दो भागों में बटी होती है, दो कौन कौन से, तो आपको ध्यान रखना है जर्मिनल एपिथेलियम जो लेयर है अंदर वाली, अगर इसकी बात करें तो हमने कहा ये है, ये जर्मिनल एपिथेलियम और ये संरचना, यही तो थी। अब हमने कहा इसमें देखा है आपको ये ऐसी बना दी है, लेकिन इसे दो भागों में बांट दिया, एक ये बना दिया हमने इसको इस टाइप से, और एक अंदर की ओर ये कोशिकाएं होंगे आपकी, ये वाली कोशिकाएं, और दूसरी आपको अंदर की ओर ऐसे करके मिलेंगी ये स्टेप से कोशिकाएं मिलेंगी, यहां पर भी मिलेंगी आपको स्टेप से कोशिकाएं, यहां पर भी मिलेंगी आपको इस टाइप से कोशिकाएं, अब आप देखो यहां पर जो हमारा एपिथेलियम है, ये हमने कहा एपिथेलियम है, एपिथेलियम उपकला है, कई प्रकार की होती हैं, तो हमने यहां पर आपको दिखाई है उपकला। तो ये वाली जो आपको है ये कैसी नजर आ रही है, इसके आकार की आ रही है या इसके आकार की या इसके आकार की, मतलब दो प्रकार के, एक तो ऐसी नजर आ रही है और एक ऐसी नजर आ रही है। तो ये आपका कैसे है, जैसे खंबा खड़ा होता है, तो खंबे की तरह खड़ी है, कौन जर्मिनल एपिथेलियम दो भागों में बट गई, हमने कहा दो भागों में बट गई, एक तो आपको कैसी मिल रही है ये वाली खंबे के आकार की संरचना, आप कहोगे स्तंभ स्तंभाकार मिल रही है, और दूसरी आपको कैसी मिल रही है ये वाली, अगर इनकी बात करें तो ये कैसी होती हैं, घन के आकार की, तो घनाकार हमने कह दिया,
मतलब स्तंभ के आकार की मिल रही हैं और घन आकार की मिल रही हैं, तो तभी इनके नाम पड़ गए हैं। अगर स्तंभ के आकार की अगर जर्मिनल इपिथिलियम मिल रही है तो उसको हम कहते हैं सर्टोली कोशिका, सर्टोली सेल या सर्टोली कोशिका। तो कौन सी कोशिकाएं सर्टोली कोशिकाएं कहलाएंगी, आपको यह ध्यान रखना है। मतलब स्तंभ के आकार की कोशिकाएं क्या कहलाएंगी, आप कहोगे सर्टोली कोशिकाएं कहलाएंगी। है किसकी, आप कहोगे जर्मिनल इपिथिलियम दो भागों में बट गई, दो कोशिकाओं में बट गई, एक स्तंभकार जिनको हमने सर्टोली कोशिका कहा, दूसरी आप कहोगे घनाकार घन के आकार की बन गई। तो इनको आप क्या कहोगे, तो इनको आप ध्यान रखना मेल जर्म इपिथिलियम, ये दो भागों में बट गई, एक तो आपको घन घन के आकार की मिलेंगी और दूसरी स्तंभ के आकार की, दोनों के नाम रख दिए मेल जर्म इपिथिलियम। इसी को हम शुक्रजन नर जर्म कोशिका भी बोलते हैं, इसी का नर जर्म कोशिका। तो दो प्रकार की कोशिकाएं बट गई, इतनी बात समझ में आ गई। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक बार देख लो, यहां से हमने कहा टेस्टिस की आंतरिक संरचना की, पहले टेस्टिस को देखा थैलीनुमा है, वृषण कोष में स्थित है, सेवन मंथ के बाद ही वृषण कोष में आते हैं। हमने कहा लाने के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है, हाथी में वृषण कोष उदर गुहा में ही स्थित होते हैं, वृषण कोष जो है वो उसके उदर गुहा में ही स्थित होते हैं, यहाँ पर हमारी बॉडी में नहीं होते क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कम चाहिए। क्योंकि क्यों चाहिए, क्योंकि शुक्राणुओं को परिपक्व आदर्श तापमान माना जाता है जो मैचुरेशन के लिए। आंतरिक संरचना में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले वृषण में तीन लेयर आपको दिखाई दे रही हैं, तीनों लेयर आपको सबसे बाहर की है ट्यूनिका वजाइनलिस ट्यूनिका एल्बुजिनिया ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये तीन लेयर हैं। फिर हमने कहा अंदर वाली जो सेकंड वाली लेयर है आपको ये वाली दिखाई दे रही है, इससे कुछ दरारें निकली हैं, ये वाली कुछ दरारें निकल आई ये। अब हमने कहा ये दरारें निकल आई जिनको हमने क्या कह दिया, कुछ दरारें सेप्टम निकल आते हैं और जिनको नाम दे दिया टेस्टिकुलर सेप्टम। अब आपको जब ये सेप्टम निकल आएंगे तो ये रूम जैसे बन जाएंगे, कमरे जैसे बन जाएंगे, जिनको हमने नाम दे दिया क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, वृषण पालिका कह दिया इनको, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कह दिया आप टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। प्रत्येक वृषण के टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आपको क्या मिल रही है, एक से तीन, एक हो सकती है या तीन हो सकती हैं, कौन शुक्रजनक नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एक से लेकर के तीन तक मिलेंगी, यहाँ पर एक है यहाँ पर दो है यहाँ पर तीन है, तीन तीन। तो आपको और इनकी संख्या आपको ध्यान रखना है, टेस्टिकुलर कितनी मिल सकते हैं, 250 से 300 होंगे, यहां पर पांच दिखा दिए हैं। ऐसे हमने कहा सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की बात करें, ये एक निकाल कर देखें तो निकाल कर देखने पर ये दो लेयर में कवर्ड होती है, एक बाहर की ओर लेयर होती है एक अंदर की ओर। बाहर की लेयर को कहते हैं जर्मिनल एपिथिलियम और अंदर वाली लेयर को कहते हैं जर्मिनल एपिथिलियम और बाहर वाली लेयर को आप ट्यूनिका प्रोप्रिया। अब हमने कहा इसमें आपका काम क्या होता है, ये सबसे बाहर की लेयर होती है, ये जो टेस्टिस होता है उसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है, सुरक्षा देने का काम, बिल्कुल आधार से लगी होती है। और अंदर की ओर आपको जर्मिनल एपिथिलियम मिलती है। जर्मिनल एपिथिलियम हमने कहा दो भागों में फिर से बट जाती है, कैसे, आपको ऐसी देगी, ये आपको दिख रही है तो ये कोशिकाएं आपको किसके, खंभे के आकार की नजर आ रही हैं, स्तंभाकार बोल दिया, और एक अंदर आपको घन के आकार की नजर आ रही हैं तो घनाकार, इनके नाम पड़ गए। अगर स्तंभ के आकार की होंगी तो उसे सर्टोली कोशिका कहेंगे और घनाकार होंगी घन के आकार की होंगी तो उसे मेल या नर जर्म कोशिका कहेंगे। तो हमने आंतरिक संरचना देखी थी टेस्टिस की, आंतरिक संरचना में हमने सबसे बाहर की ओर तीन लेयर मिली थी, तीन लेयर के द्वारा जो टेस्टिस है वृषण है आपका कवर्ड होता है, तीनों लेयर को देख लिया। उसके बाद हमने कहा इसमें सेप्टम, सेकंड वाली लेयर में
सेप्टम दरार का निर्माण हो जाता है जिसे टेस्टिकुलर सेप्टम कहते हैं, और रूम बन जाता है जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, वृषण पालिका कहते हैं। फिर हमने कहा वृषण पालिका की बात करें तो इस वृषण पालिका में आपको जो रूम बनना है उसमें आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई देती हैं। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में हमने देखा था दो प्रकार की संरचनाओं के द्वारा कवर्ड होता है, कौन कौन सी ये आपको ध्यान भी रखना है, दो प्रकार की संरचना कौन कौन सी थी, ट्यूनिका प्रोप्रिया और दूसरी आपको ध्यान रखना है जर्मिनल एपिथेलियम। ये दो लेयर होती हैं, आपको ध्यान रखना है। अब बात करें इसकी ये क्या काम करती है, तो आपको ध्यान रखना है प्रोटेक्शन का काम करती है, सुरक्षा का। ये हमने कहा ये आपको क्या देगी, सुरक्षा, और आधार से लगी होती है। और ये क्या करेगी, तो आपको ध्यान रखना है जो जर्मिनल, ये दो भागों में बट जाती है आपकी, दो भाग में बट गई थी। एक हमने कहा था कैसी थी, स्तंभ के आकार की थी, ऐसी संरचना दिखाई दे रही थी, स्टेप से हमने बना दिया स्तंभ के आकार की, जिसको हमने क्या कहा था, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। दूसरी आपको ध्यान रखना है इसी में, हमने कहा घन के आकार की बन गई थी कुछ कोशिकाएं, और घन के आकार की कहाँ बनती हैं, अंदर की ओर बनती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, जिसको हमने क्या नाम दिया था, आप कहोगे मेल जर्म सेल भी कहते हैं, मेल जर्म सेल भी कहते हैं, नर जर्म कोशिका। हमने कहा दोनों प्रकार की कोशिकाएं, तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, हमने कहा ये जो आपका था, ये वाली जो कोशिका आप देख रहे हो, ये वाली जो मेल जर्म सेल, इस कोशिका का काम क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना ये वाली जो मेल जर्म कोशिका सेल होती है, यही आपका क्या कर, किसका निर्माण करती है, तो शुक्राणु का निर्माण करती है, स्पर्म का निर्माण करने का काम करती है आपकी मेल जर्म सेल। तो आपको ध्यान रखना है स्पर्म का निर्माण कौन करेगी, मेल जर्म सेल। अब देखो यहां पर ये लगी होंगी अंदर की ओर लगी होंगी, जैसे हमने कहा ये वाली जो संरचना हमारी थी, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, और इसमें हमने देखा था दो प्रकार की कवरिंग थी, इस टाइप से ये एक बाहर की तरफ लेयर थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, एक अंदर की तरफ लेयर थी, और अंदर वाली में हमने कहा था दो लेयर बन गई थी। अब हम इसको अंदर वाली में भी दो लेयर दिखा देते हैं, ये स्तंभ के आकार की हमने दिखा दी, ये वाली जिससे हमने क्या कहा था, सर्टोली सेल, और अंदर वाली हमने कहा था कुछ स्तंभ के आकार की यहाँ पर बन, वो सॉरी घन के आकार की बन गई थी, ये घन, ऐसी यहां पर भी कुछ सेल बन गई घन के आकार की, इस साइड में भी बन गई घन के आकार की। तो घन के आकार की सेल आपको ध्यान रखना है, जो घन के आकार की कोशिकाएं होती हैं उनको क्या नाम दिया गया है, तो आप कहोगे मेल जर्म सेल, इनको ही हम क्या कह रहे थे, मेल जर्म सेल, सेल नर जर्म कोशिका, ठीक है, और इनको क्या कह रहे थे हम, सर्टोली सेल। बस इनकी बात देखेंगे कि इनको क्या कह रहे थे, आपको ध्यान रखना है सर्टोली सेल, सर्टोली कोशिका, कोशिका। अब आपको हमने कहा ध्यान रखना क्या है, इसमें जो अंदर वाली सेल है ये किसका निर्माण कर रही है, शुक्राणु स्पर्म का, इन्होंने क्या बना दिए, ये देखो स्पर्म बना दिए, ये ऐसे ये भी स्पर्म बना देंगे, स्टेप से चार भागों में बटे होते हैं स्पर्म की संरचना जब पढ़ेंगे। तो हमने कहा इसने स्पर्म का निर्माण किसने कर लिया, आप कहोगे मेल जर्म सेल ने, तो हमने दिखा दिया मेल जर्म सेल ने स्पर्म का निर्माण कर लिया। अब ये स्पर्म का जब निर्माण हो जाता है तो ये अंदर है, और कहां जाने की कोशिश करता है, ये यहां पर आ जाता है,
यहाँ क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिशन होता है यहाँ पर, और इनको क्या कहते हैं? सर्टोली कोशिका। तो आपको ध्यान यहाँ से पता चल गया जिस स्पर्म कहाँ जा रहा है, सर्टोली कोशिका में। क्यों जा रहा है? न्यूट्रिशन। तो इनका काम में आपको पता चल गया सर्टोली कोशिका का क्या काम है, तो आपको ध्यान रखना है ये क्या करेंगी, पोषण प्रदान करेंगी। और किसको पोषण प्रदान करेंगी? शुक्राणुओं को, स्पर्म को पोषण प्रदान करती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ये अंदर घुसेंगे, अंदर क्यों जाते हैं सर्टोली कोशिका में, क्योंकि ये पोषण लेने के लिए जाते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हमने कहा मेल जर्म सेल, ये हमने देख लिया इस स्टेप से। अब ये आगे जाकर ये वाली जो कोशिका है, ये वाली, यही तो है, ये हमने खोल के दिखा दी यहां पर, लेकिन यहां पर क्या है? बंद। अब हमने कहा यहां पर ये है आपकी, ये कोशिका है, सब देख लिया इसके बारे में। ये आगे जाकर ये देखो, ये जा रही है, ये तीन है, एक दो तीन, हमने कहा तीन होंगी या चार होंगी। तो हमने एक बनाई ऐसी, हमने कहा दो ले लेते हैं, एक ये थी और एक ये थी हमारी, इसी टाइप से सेम बिल्कुल होगी यहां पर भी, या तो एक से तीन तक होती हैं, या तो एक होगी या दो या तीन। बिल्कुल सेम है, जैसी यहां पर है सर्टोली कोशिका वैसी यहां पर है, ये दोनों सेम है, आपको ये ध्यान रखना है। क्योंकि दो हमने ऐसा रूम उठाया जो टेस्टिकुलर लोब्यूल, जिसमें दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, एक वाली नहीं उठाई, एक भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। और यहां पर आपको क्या मिल रही है? घन के आकार की कोशिकाएं मिल रही हैं ये आपको, ऐसी यहां पर भी लगी हुई मिल रही हैं, कम दिखा देते हैं ये, ये कोशिकाएं आपको मिल रही हैं, और ये वाली आपकी क्या है? सर्टोली कोशिका है ये, ठीक है दोनों में। अब इन दोनों में आप देखोगे इधर वाली एक कोशिका, ये दोनों है क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, लिख भी देते हैं, ये और ये दोनों ही क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूल्स हैं। अब हमने कहा इनमें देखो कुछ खाली स्थान दिख रहा है, दोनों कोशिकाओं के बीच में एक सेमिनिफेरस दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के साथ खाली स्थान दिख रहा है, और खाली स्थान को हमने नाम दे दिया अंत अंतराली अवकाश। क्या नाम रख दिया? अंतराली अवकाश। यहां पर अंतराली अवकाश मिल रहा है खाली स्थान, और खाली स्थान में कुछ कोशिकाएं मिल रही हैं। यहां पर हमने कहा कुछ कोशिकाएं मिल रही हैं, कौन से स्थान में कोशिकाएं मिल रही हैं? अंतराली अवकाश में। अब बताओ इनका क्या नाम रखें, कहां मिल रही हैं? अंतराली अवकाश में। तो इनका नाम रख देंगे अंतराली कोशिका। तो हमने इनका नाम क्या रख दिया? आपको ध्यान रखना है ये अंतराली कोशिका, अंतराली कोशिका, या इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? लीडिंग सेल। इसी का दूसरा नाम है लीडिंग सेल। तो अंतराली कोशिका कह दी। अब देखो यहां पर ध्यान देना, अंतराली कोशिका किसके बीच में? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एक ये है एक ये है, दोनों के बीच में एक खाली स्थान था जिसे हमने कह दिया अंतराली। अंतराली मीन्स खाली, और अवकाश मीन्स छोटी खाली स्थान, ठीक है। अब हमने कहा इसमें कुछ कोशिकाएं मिल रही, तो उसी का नाम रख दिया अंतराली कोशिका। क्लियर है? अब ये क्या काम करती है, ये क्यों मिल रही है यहां पर, कोशिकाएं क्यों मिल रही है? तो इनका भी काम है, ये क्या करती है? तो आपको ध्यान रखना है लीडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं आपको ये क्या करती हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये वाली जो कोशिकाएं हैं नर हार्मोन का स्रावित करती हैं। नर हार्मोन का
नर हार्मोन को स्रावित करती हैं। क्या करेंगी? नर हार्मोन स्रावित करेंगी। अब देखो, आपने पढ़ा होगा कि मेल में हार्मोन सिक्रीट होते हैं वृषण से, हार्मोन आपने डायरेक्ट देख लिया कि टेस्टिस है वृषण, शुरू में पढ़ा था वृषण हार्मोन रिलीज करता है, लेकिन आपको ये नहीं पता। अब अंदर की चीज आपको ये पता चलेगी, यहाँ पर जो हार्मोन है, जैसे हमने कहा था एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल में होते हैं, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन अब ये हार्मोन हमने कहा यहां पर दोनों हार्मोन शुरू में पढ़ लिए थे, तो आपको ध्यान रखना है ये हार्मोन कौन स्रावित कर रहा है। तो ये चीज आपको डायरेक्ट लिख देते हैं, ये हार्मोन आप पढ़ चुके हो। वैसे कहां से स्रावित हो रहे थे, तो आपको ध्यान रखना है टेस्टिस से, लेकिन टेस्टिस में कहां से, तो आप कहोगे सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बीच में खाली स्थान था, खाली स्थान में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं और उन कोशिकाओं का नाम क्या है, अंतराली कोशिका। तो आप कहोगे अंतराली कोशिकाओं से एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं। मेन फंक्शन क्या है, यहां पर आपको टेस्टोस्टेरोन डायरेक्ट बता दिया था वहां पर कि कहां से रिलीज होता है, टेस्टिस। अब टेस्टिस में भी कहां से रिलीज होता है, तो आपको ध्यान रखना है ये पूरा आपका क्या था, टेस्टिस था ये, और इसको खोल दिया हमने तीन भाग, जब काट के देखा अनुप्रस्थ काट काट के देखी, आंतरिक संरचना अंदर देखा, अंदर देखने के बाद हमें कोशिकाएं मिली, कोशिकाओं में हमें ये हमने लेयर देखी, लेयर के अंदर आपको कुछ सेप्टम मिला, सेप्टम के अंदर आपको क्या मिले, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स मिली, और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में आपको क्या मिला, खाली स्थान मिला। तो यहां से ये हार्मोन सीरीज होते हैं, रिलीज होते हैं आपके मेल हार्मोन अंतराली कोशिकाओं से। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो मेल हार्मोन है वो कौन सी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। टेस्टिस ना देकर के आपको ऑप्शन में क्या, अंतराली कोशिकाएं लिखा हुआ मिलेगा, या लेडिंग सेल कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद देखो, अब हमने कहा ये अंतराली कोशिका अवकाश हमने देख लिया, उसके बाद आप कहां पर, ये टेस्टिस था और ये आपके ये वाला जो भाग, ये इसकी बात खत्म हो गई। यहां पर देखो ये चीज, इतनी बात आपने पढ़ ली पूरी। अब जैसी आगे बढ़ोगे, ये इसको कहते हैं वृषण रेक्टी। जैसी आप अब बताओ, यहां पर मैं आपसे कहूं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स आगे जाकर किस में खुलती है, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर ये हमने बना दी, ये वाली आप देख रहे हो, ये संरचना एक डक्ट है, डक्ट है, तो आपको ध्यान रखना है ये एक डक्ट है। इसको इधर समझ लेते हैं थोड़ा सा, यहां पर जैसे हमने कहा ये क्या है आपका, टेस्टिस, इस टाइप से इसके अंदर क्या था आपको, टेस्टिस था, और ये वृषण कोश है आपका, वृषण कोश, और इसके अंदर आपको क्या मिल रहा था, टेस्टिस मिल रहा था ये, और ये क्या है हमने कहा था, ये लेयर आई थी एक, ये आपकी, ये उधर गुहा है, एब्डोमिनल कैविटी, ये श्रोणि क्षेत्र है, पेल्विस रीजन है। अब हमने कहा था यहां पर सारी चीज क्या है, टेस्टिस, ये टेस्टिस है बड़ा सा आपका। अब हमने कहा इसके अंदर हमने दिखा दी, ये लेयर दिखा दी, ये इस टाइप से तीन लेयर हो गई, ये वाली एक दो तीन। उसके बाद हमने क्या, सेप्टम दिखा दिया, इसके अंदर क्या बन रहा था, सेप्टम बन रहा था, देखो ये सेप्टम बन रहा है, ये सेप्टम बन गए, दरार बन गई, दरार बन गई। अब हमने कहा ये दरार बन गई, अब दरार इसे क्या कहते हैं, तो आपको बताया टेस्टिकुलर सेप्टम कहते हैं। इसके अंदर ये क्या बन गए, रूम बन गए। अब रूम के अंदर क्या थे, इस रूम के अंदर सेमिनिफेरस
ट्यूब्यूल्स हैं इस रूम के अंदर, ये है? तो हमने ये बना दी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ये देखो एक नली डक्ट में खुल रही है, तो ये एक नली इधर से आई, एक नली इधर से आई, ऐसी बहुत सारी ये स्टेप से आके। अब हमने कहा ये जो आप देख रहे हो ये वाली, और ये जाकर के यहां बीच में एक जाल सा बना देती हैं, इधर से इधर से इधर से आकर एक जाल सा बना देती हैं, जिसे हम कहते हैं वृषण जाल, रेड टेस्टिस। क्या बना दिया? वृषण जाल बना दिया। अब जाल है क्या? नलिकाएं हैं ये बहुत सारी, और इससे पहले ये इधर से आएगी, ये सिंगल ये नलिकाएं होगी जिसे रेक्टी बोलते हैं, इसे वृषण रेक्टी बोलते हैं, वृषण रेक्टी। तो ये क्या है? एक है, बाकी आगे जाकर क्या होगा? एक ग्रुप बन गया पूरा, जिसे हमने जाल बना दिया, नलिकाओं का जाल बन गया, तो वृषण जाल बन गया। अब वृषण जाल आप ध्यान रखना, वृषण जाल ये जा रहा है, ये एक और डक्ट में इधर खुलता है, आगे बढ़ रहा, ये वाला जाल है वो आगे जा रहा है, और ये क्या है आपकी नलिकाएं हैं, और इनका नाम क्या है? तो आपको ध्यान देना है, ये नलिकाएं जो हैं हमने कहा ये डक्ट हैं, सब डक्ट हैं। अच्छा ये चीज भी देख लो, एक हमने लिख दिया बाहक यहां पर या नलिका, इसमें और इसमें अंतर बताओ, वही काएं या नलिकाएं, ये दो वर्ड लिख दिए हमने, बाहक नलिका, वाहिकाएं नलिकाएं, इसमें क्या अंदर है? यही आपको आगे जाकर क्या हमने जब शुरू में लिखाया तो क्या है, कहीं पर वाहिनी ये बाहक का काम करेंगी, और कहीं पर आगे जाकर क्या बन जाएंगी? वाहिकाएं बन जाएंगी। तो हमने कहा ये क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, जब सिंगल होगी ये, जैसे हमने कहा ये पैप है सिंगल है, तब ये क्या कहलाएगा आपका? बाहक या नलिका बोलेंगे, एक है। जब यहां पर बहुत सारी हो जाएंगी ये इस टाइप से बहुत सारी जाएंगी, तो उसे क्या? वाहिकाएं। अब आप यहां पर बताओ ये नलिका है या नलिकाएं हैं? नलिकाएं हैं, क्लियर है? तो शुक्र नलिकाएं आपको कहां मिल रही हैं? ये आपको देख रहे हो शुक्र नलिकाएं, बहुत सारी शुक्र नलिकाएं, और शुक्र नलिकाएं ये आपको ध्यान रखना है, ये देखो ये कहां पहुंच गई, ये सब इकट्ठी होकर ये और ये इधर से कहां पहुंच गई? उधर गुहा में। अब इसको क्या बोलेंगे? नलिका बोलेंगे या नलिकाएं बोलेंगे? नलिका। और ये क्या है? देखो ये है आपकी शुक्र वाहिनी सिंगल। तो हमने कहा यहां पर क्या ये आ गई? उधर गुहा में, पेट वाले रीजन में, क्या? शुक्र वाहिनी। अब ये कहां से? जब ऊपर जाकर एक फंदा लेती है, फंदे टाइप से, मतलब ऐसे करके, जैसे इसको दिखाएं किडनी, जैसे आपने देखी है यहां पर ये किडनी का आकार तो देखा होगा, इस टाइप से, और हमने कहा यहां से ठीक है, इस टाइप से हमने कहा ये किडनी से। अब ये वाली वो चीज कहां पर है? देखो शुक्र वाहिका है, ये ऐसे आ रही है, ये नीचे से आ रही है, वो शुक्र वाहिका है ये वाली, ये कैसे? ऐसे करके जाती है, और जाते जाते ऐसे करके ये घूम गई, देखो फंदा ले लिया, तो ये फंदा ले लेती है, और ये क्या है? मूत्राशय है, इसमें आकर फंदा ले लेती है, ये ऐसी यहां से ये आ गई, कौन आ गई? शुक्रवाहिनी कहाँ आ गई? मूत्राशय में, और मूत्राशय के पास में हमने देखा था
आधार से लगा हुआ ये वाला भाग क्या है, सुक्रास है, सेमिनल वेसिकल। तो ये कहाँ खुलती हैं, अब देखो शुक्राशय कहाँ होता है, ये उसमें दिख ऐसा रहा है, लेकिन अगर बात करें मूत्राशय की तो ये ऐसा लगा होता है शुक्राशय, ये इस टाइप से शुक्राशय लगा होता है। अब बताओ शुक्राशय कहाँ लगा हुआ है, पीछे, जैसे ऐसा लग रहा है पीछे, तो पीछे होता है मूत्राशय के पृष्ठ पर, बेस पर होगा, मूत्राशय के पृष्ठ पर होता है। अब यहां से एक डक्ट निकलेगी ये, और ये ऊपर से आएगी ये वाली, और ये दोनों मिल गई, ऐसी यहां से ये डक्ट निकली, और ऐसी हमने कहा यहां से भी एक फंदा लूप लेकर आएगी शुक्रवाहिका, इधर से भी तो है ये, तो इधर से भी ये फंदा लेकर आ रही है, और ये दोनों आपस में मिल जाती हैं, ये ठीक है, लूप मतलब फंदा ले लिया ऐसे करके, देखो घूम गए ऐसे करके। अब हमने कहा ये देखो यहां से डक्ट आई, यहां से डक्ट आई, और ये किससे मिल रही है, ये वाली, ये कौन सी है बताओ, ये वाली जो नली है, ये वाली जो तेज देख रहे हैं, ये वाली, ये बताओ ये क्या है, शुक्र वाहिनी। तो शुक्र वाहिनी और ये कौन है, शुक्राशय है आपका, ये कौन है, शुक्राशय, उसमें देखो, उसमें देखते हुए क्लियर हो जाएगा ये चीज, क्योंकि वहां पर क्लियर दिखा दिया, लेकिन यहां पर कहां होता है, ये क्या है आपका, शुक्राशय, ठीक है, और ये क्या है, शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी, इतनी बात क्लियर हो गई। अब शुक्र वाहिनी इधर से आ रही है, और आपका शुक्राशय से नली इधर आ रही है, डक्ट नली निकल कर आ रही है, और दोनों एक जगह पर मिल रही हैं यहां पर, और इसको क्या कहते हैं, देखो स्कलन वाहिनी, इसको नाम दे दिया स्कलन वाहिनी, एक जगह मिल गई। अब ये नीचे की ओर आती है ये वाली डक्ट, मिल करके, मिलने के बाद ये कहाँ आ जाती हैं, ये, और ये आपकी यहीं पर जो आपका है भाग, ऐसे डायरेक्ट दिखा देते हैं ये वाला भाग। अब यहाँ पर आपको मिलेंगी कौन सी, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल यहाँ पर पास पर। मूत्र मार्ग में भी तीन भाग होते हैं, तीन भाग कौन से हमने दिखा दिया, देखो एक दो, तो एक आपका यहाँ से एक दो तीन भाग, ये पूरा मूत्र मार्ग है। तो मूत्र मार्ग के बिल्कुल बेस पर, आधार पर आपको क्या मिलेंगी, प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेंगी। अब ये भी क्या है, एक डक्ट के द्वारा इसी में मिल जाती हैं, इधर से ये, इधर से दें। अब ये आपको ध्यान रखना है, जो आपको शुक्राशय है ये तो दो होती हैं, लेकिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड है लगती ये भी दो हैं, देखो ऐसे लग रहा है ये एक इधर है एक इधर है, लेकिन ये एक होती है, ये ऐसे करके होती है, जैसे मान लो ये इस टाइप से, लेकिन क्या है ऐसे करके दो भाग लगते हैं इसके, होती ये एक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाली प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो सिंगल होती है, जबकि शुक्राशय क्या होती है, एक जोड़ी होता है, एक इधर एक इधर, क्लियर है। अब आपको ध्यान रखना है ये कहाँ मिल रही है, देखो प्रोस्टेट ग्लैंड बिल्कुल मूत्र मार्ग के आधार पर मिल रही है, और इनके नाम की बात करें तो पहला भाग है आपको, जैसे कि इसका नाम है, तो इसको कहते हैं प्रोस्त मूत्र मार्ग, क्या कहते हैं, प्रोस्त मूत्र मार्ग। अब आप कहोगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड कहां मिल रही है, प्रोस्त मूत्र मार्ग पर मिलती हैं। दूसरे भाग का भी नाम दिया गया है, इसको कहते हैं झिल्लीमय मूत्र मार्ग, इसको क्या कहते हैं, झिल्लीमय मूत्र मार्ग, तो इसको नीचे दिखा दे रहे हैं झिल्लीमय मूत्र मार्ग, झिल्लीमय मूत्र मार्ग। अब इस पर क्या मिलती हैं,
तो आपको ध्यान रखना है, इसके बाद देखो नीचे क्या है, कॉपर ग्रंथि। तो कॉपर ग्रंथि कहां मिलेंगी, इस भाग पर मिलेंगी आपको यहां पर, और इससे भी नली के द्वारा जुड़ी होंगी मूत्र मार्ग से। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कहां मिल रही है, मूत्र मार्ग के पीछे, कौन, शुक्राशय है, और ये कहां मिल रही है, प्रोस्थित मूत्र मार्ग वाले भाग पर, और ये कहां मिल रही है, सेकंड वाला झिल्लीमय मूत्र मार्ग पर कॉपर ग्रंथि। तो कॉपर ग्रंथि आपको ध्यान रखना है कहां मिल गई, मूत्र मार्ग के दूसरे वाले भाग पर, जिसे हम कहते हैं झिल्ली मार्ग। अब आपको ध्यान रखना है ये नली आकर मिली क्यों। अब यहां तो आपको पता है यहां से शुक्राशय, तो यहां से टेस्टिस में हमने क्या बनाया था, स्पर्म बने थे, ये स्पर्म, तो स्पर्म को लेकर आएंगे, शुक्रवाहिनी आ गई यहां पर और इजेकुलेटरी डक्ट तक यहां तक आ गए, और इधर से क्या जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है यहां से शुक्राशय से और आपका जो कॉपर ग्लैंड है और प्रोस्टेट ग्लैंड है, तीनों से आपको ध्यान रखना है यहां पर शुक्राशय और दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, ग्रंथि, और तीसरा पॉइंट कॉपर ग्रंथि। इन तीनों से सुक्रिय पदार्थ स्रावित होता है, सुक्रिय प्लाज्मा निकलता है, इनसे डक्ट आई है और डक्ट आकर के मिल गई है मूत्र मार्ग में, तो इनसे क्या निकलता है, तो आपको ध्यान रखना है इनसे निकलता है सुक्रिय प्लाज्मा, क्या निकलता है, सुक्रिय प्लाज्मा, क्लियर हो गई, इन तीनों को, और ये तीनों ही क्या कहलाती हैं, ये भी ध्यान रखना, ये कहलाती हैं आपकी सहायक ग्रंथि, सहायक ग्रंथि। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सहायक ग्रंथि कौन सी होती हैं, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और कॉपर ग्लैंड, ये आपकी सहायक ग्रंथि कहलाती हैं तीन, इसके अलावा कोई भी मेल में सहायक ग्रंथि नहीं होती है रिप्रोडक्शन में। तो ये भी देख लिया। अब हमने कहा सुक्रिय प्लाज्मा बना, यहां से डक्ट निकलेगी, यहां से भी निकलेगी, यहां से भी, ये सारी डक्ट यहां से निकल रही थी और क्या है, इसमें मिल रही थी मूत्र मार्ग में मिल रही थी। तो हमने कहा इस डक्ट से मिलने का मतलब क्या है, इन सबसे तीनों से क्या निकलेगा, सुक्रिय प्लाज्मा निकलेगा, और ऊपर से क्या आ रहा था, शुक्रवाहिनी में से, ऊपर से क्या आ रहा था, यहां से टेस्टिस से निकल कर क्या आ रहा था, स्पर्म। तो हमने कहा ऊपर से आ रहा है स्पर्म, सुक्रिय पदार्थ ये मिला रही है ग्लैंड, और ऊपर से क्या आ रहा है, आपको ध्यान रखना है स्पर्म, तो प्लस कर दिया शुक्राणु, दोनों मिल गए, दोनों मूत्र मार्ग में यहां पर मिल गए, यहां पर देखो मिल गए, ठीक है। अब जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इसे कहते हैं वीर्य सीमन, क्या नाम देते हैं इसको, वीर्य। तो वीर्य में क्या क्या आपको ध्यान रखना है, सुक्रिय प्लाज्मा और शुक्राणु, जब दोनों मिल जाएंगे तो सीमन कहलाएगा, इंग्लिश में सीमन और हिंदी में वीर्य कहते हैं, क्लियर है इतने बार। तो ये था हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम।